मैं आज पहुंची हूं इस्लामाबाद के बहरिया इनक्लेव, जहां पर सजाया गया है स्प्रिंग बहार मेला। फूल भी खिले हुए, लोग भी फूलों को देख के बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने खाना वगैरह खाया है और सेल्फीज भी खींची अपनी दोस्तों की और खुद की भी खिंचवाई है। ऐसा एक इकदाम कि जहाँ हर जगह फूल ही फूल खिले हुए हैं और लोग भी फूलों की तरह महक रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की जगहों पे आके। हम आए थे तो हमें कुछ दोस्त मिल गए थे और लाइक यहाँ की अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। इतना कुछ है कि समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। आपके सामने सब्जी बन रही है, बिरयानी है, गोलगप्पे हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन है लेना कि क्या खाया जाए। हाँ माशाल्लाह सुबह से लगे हुए हैं, एक मिनट के लिए नहीं मैं बैठी, माशाल्लाह सब जा रहा है, फटाफट जा रहा है। हमारे पास यहाँ पे प्रभु भी मौजूद हैं जो हम स्पेशली वॉलनट से बनाते हैं और फरिंग सू उसे किसीर हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे रेडी है। एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ जाए ना, तो बस आपकी जितनी भी थकावट होती है, जितनी मेहनत होती है ना, वो रंग ले आती है। हमने जो सिंगर्स रखे हैं वो हर एक के टेस्ट के मुताबिक हैं, जिसमें हम उसको फोक टच भी दे रहे हैं, न्यू जनरेशन के लिए रैप प्लस डीजे, और ये सब चीज़ें आपको हमारे इस इवेंट में देखने को मिलेंगी। मौसम हो बहार का और ऐसे में कोसे के जाके रंग ना हो, ऐसा कैसे मुमकिन है। ऐसे ही रंग दिखाने के लिए मैं आज पहुंची हूं इस्लामाबाद के बहरिया इनक्लेव, जहां पर सजाया गया है स्प्रिंग बहार मेला। यहां पर ना सिर्फ फूड कोर्ट और म्यूजिक मस्ती होने वाली है, बल्कि रंग बिरंगे बहार के फूलों की एक नुमाइश भी सजाई गई है। इस नुमाइश के फूलों के रंग क्या क्या है और इस स्प्रिंग गाला में क्या कुछ है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। तो चलिए चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं बहरिया इनक्लेव, इस्लामाबाद में सजाया गया स्प्रिंग बहार फेस्टिवल। फेस्टिवल में एंटर होते साथ ही रंग बिरंगे फूल आपको वेलकम करते हैं। क्या गुले दाऊदी, क्या गेंदे के फूल, तरह तरह की इकसाम के फूल यहाँ पर नुमाइश के लिए सजाए गए हैं। जी तो बहार के रंग देखने जो शहरी आए हैं, व्हाई नॉट उनसे जरा बात की जाए, पूछा जाए अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बताएं जरा भाई, बहार के रंग हर चेहरा खिला खिला और खूबसूरत नजर आ रहे हैं, वजह क्या है, ये फूलों की नुमाइश क्या? जैसे फूल है सारे खिले हुए, फूल भी खिले हुए, लोग भी फूलों को देख के बहुत खुश है और मौसम भी ऐसा हुआ है, सारे बहुत फ्रेश है यहाँ पे इस वजह से, और यहाँ पे डेकोरेशन भी इन्होंने ऐसे की है की बस देखे बहुत खुश है। सेल्फियां ले ली आपने? ले ली बहुत ज्यादा, काम ही वही है हमारा। बड़े तो बड़े, बच्चा पार्टी भी इस बहार फेस्टिवल को खूब इंजॉय कर रही है। बच्चों से बात करते हैं, कहाँ से आई हैं भाई, कैसे इंजॉय कर रही हैं? बहुत इंजॉय कर रहे हैं, हमने खाना वगैरह खाया है और सेल्फीज भी खींची अपनी दोस्तों की और खुद की भी खिंचवाई है। सेल्फीज बड़ी जरूरी होती है, अगर सेल्फीज ना लें तो किसी फेस्टिवल का मजा नहीं आता क्या? जी बिल्कुल नहीं आता, और एक टाइप ऑफ मेमोरी भी रहती है। अच्छा खाने पीने की बात हो रही है, तो अभी तक यहाँ से क्या कुछ खाया है? हमने बहुत सारे गोलगप्पे खाए, फ्राइज खाए, स्प्रिंग रोल खाए और भी बहुत सारी चीजें खाई हमने। अच्छा जनाब, आप भी इनके साथ ही हैं, फ्रेंड्स का पूरा ग्रुप है, तो आपने क्या कुछ किया है, क्या कुछ खाया पिया यहाँ पर, कितनी एक सेल्फीज ले ली हैं? हमने बहुत सारी सेल्फीज ली हैं, एंजॉय किया, हमने फ्लावर्स देखे हैं और बहुत सारे एंटरटेन भी हुए हम लोग, और फिर हमने जो चीजें भी खाई हैं बहुत मजा आया, हम सब एंजॉय कर रहे हैं सारे फ्रेंड्स एक साथ। बच्चा पार्टी तो बच्चा पार्टी, यहाँ पर फैमिलीज भी आई हुई हैं और इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रही हैं, सेल्फीज भी ली जा रही हैं, लोगों से बात करते पूछते कैसे एंजॉय कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, सेल्फीज बहुत पिक्चर्स खींचे, सेल्फीज मैंने इनको पकड़ा ही था जब ये सेल्फीज ले रही थी। हाँ जी। अच्छा मियाँ जी को भी इन्होंने काम पे लगाया हुआ था और वो पिक्चर्स जो है इनकी लेते जा रहे थे, उनसे भी पूछते अपना पिक्चर पे पिक्चर इसी काम के लिए रखा हुआ इन्होंने। आप फोटोग्राफर हुए इनके भाई? जी जी। तो कैसे फोटोग्राफर है ये बाय द वे? अच्छी अच्छी पिक्चर्स। अच्छा अच्छी पिक्चर्स लेते हैं। आप बताइए कैसा लग रहा है, फैमिली के साथ आए हुए हैं तो एंजॉय करें? काफी अच्छा लग रहा है, मजा आ रहा है, वैसे होना चाहिए अपना ना, तकरीबन 6 मंथ के बाद लाजमी होना चाहिए। हम न्यू शिफ्ट हुए हैं इधर। अच्छा। मतलब हमें 1 ईयर हुआ है, तो ये हमारा फर्स्ट फेस्टिवल है इस पार्क में।
अच्छा अभी जो आपकी गुफ्तगू है या अंदाज उससे लग रहा है कि बेगम की बहुत चलती है भाई, फौरन से माइक ले लिए इन्होंने। अच्छा तो फोटोग्राफर कैसे हैं भाई, इन्होंने फोटोज तो आपकी बहुत सारी ली, आप रीटेक लेती हैं? बहुत रीटेक्स लेती हूँ लेकिन अब कम लेती हूँ वैसे। अब मेरे ख्याल में मियाँ जी ट्रेन हो गए होंगे ना, पता चल गया होगा कैसे लेनी, खराब हो जाता है। अच्छा फोटोज अच्छी ना, ज्यादा पिक्चर्स लेनी पड़ जाती हैं तो फिर तो जनाब थोड़ी सी। लेकिन ये फेस्टिवल रोज रोज तो नहीं आएगा, वैसे मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी लेकिन अब आके देख के बहुत मजा आ रहा है। फैमिलीज मौजूद हैं, फैमिलीज में अगर अम्मियों की बात की जाए तो वो मैं बता रही हूँ आपको कि छोटे छोटे बच्चे उनकी उनकी वीडियोस और रील्स बना रही है फॉर सोशल मीडिया। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं? शुक्र है खुदा का। आपके बेबी की वीडियो बनी? मेरे बेबी की वीडियो बहुत मुश्किल से बनी है, काफ़ी ट्रायल्स दे के बहुत तंग किया, और लेकिन ये कि अच्छा है, बच्चे हैं तो बच्चों को देख के बच्चे खुश होते हैं और अच्छा लगा यहाँ पर आकर। एक बहुत अच्छा एकदम है के स्प्रिंग के मौके के ऊपर पूरी दुनिया में हर जगह के ऊपर इस तरह की फेस्टिविटीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, तो मौसम के हवाले से ऐसा एक एकदम कि जहाँ हर जगह फूल ही फूल खिले हुए हैं और लोग भी फूलों की तरह महक रहे हैं, यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है इस तरह की जगहों पर आके। अभी मौजूद है कुछ नॉटी सी लड़कियां, उनसे बात करते हैं, पूछते हैं भाई क्या बात करने के लिए मुझे खींच के यहाँ पे लाई हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक। कैसे एंजॉय कर? अभी हम आए जी। आते साथ कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? हम आए थे तो हमें कुछ दोस्त मिल गए थे और लाइक यहाँ की अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी जी। अच्छा आप भी इनके साथ ही, आपको एंटर होते साथ सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव चीज क्या लगी? मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी है खाने की स्टॉल्स। तो आप फूडी हैं, इसका मतलब है क्या कुछ अच्छा दिखा यहाँ? मैंने देखे हैं यहाँ पर बहुत सी मतलब कि इंटरेस्टिंग खाने हैं, देसी खाने भी हैं, साथ में स्ट्रीट फूड्स जो होते हैं वो भी हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग थे। तो लोग कह रहे हैं यहाँ पे गोलगप्पे भी हैं, बिरयानी भी है, तो आपने अभी तक कुछ ट्राई किए? अभी हम ट्राई करेंगे, अभी हम लोग बारी बारी कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह जाएं और बारी। इतनी इतनी सेहतें हैं आपकी, हर जगह ट्राई करने लगेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा और खाना भी पड़ेगा, कर लेंगे जी। प्रैक्टिस है हमें। प्रैक्टिस है जी। कितनी प्रैक्टिस है, क्या करते हो भाई पहले जिस चीज़ की प्रैक्टिस है? स्कूल में हमारा स्टमक ट्रेंड है ना, तो लाइक हम लाइक जैसे हम लोग अपने ना स्टमक को ट्रेन अच्छा ये स्टमक को ट्रेन करती है, अभी खाती पीती बहुत है। आप बताएं आप क्या करने वाली हैं इसके बाद? मैं इसके बाद अपने दोस्तों के साथ मस्तियाँ करूँगी, यहाँ पे भागेंगे हम लोग, दौड़ेंगे, पिक्चर्स बनाएंगे, इंजॉय करेंगे, टिकटॉक्स भी बनाएंगे, इंस्टा पे स्टोरी लगाएंगे। फूलों की खुशबुओं से निकलकर मैं पहुंच गई हूँ खानों की खुशबुओं में। मैं आपको बताऊं कि फूड कोर्ट में मौजूद हूँ और फूड कोर्ट में किस किस्म की वैरायटी है, क्या खाने पीने के लिए मिल रहा है, ये जानने के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ। ना सिर्फ हम जो स्टॉल्स हैं उनको विजिट करेंगे बल्कि लोगों से भी बात करेंगे और पूछेंगे कि किन किन खानों पर हाथ साफ हो रहा है। बलोची सज्जी बलोचिस्तान से होती हुई पहुंच गई है इस्लामाबाद के बैरिया इनक्लेव और आप देख सकते हैं कि सीखों पर सुलगाई जा रही है, इट्स क्वाइट हैवी, उठाई नहीं जा रही है ये सज्जी और काफ़ी जूसी काफ़ी टेंडर सी लग रही है। तो पूछते हैं ज़रा कुक से कि कितना एक टाइम लग जाता है, कितने एक मसाले जो है इस पर लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वस्सलाम। कितने एक मसाले लगाए हुए हैं इस बलोची सज्जी पे? असल में ये नमकीन होती है, नमकीन टाइप पे बनाते हैं इसको और बाद में जो इसको ऊपर मसाला लगाते हैं वो खुशक होता है, ये हमारे पास खुशक मसाला होता है जी जी। इसको कितनी देर तक मैरिनेट करते हैं आप? इसको जो पहले करते हैं नमकीन में वो आधा घंटा कम से कम आधा घंटा करते हैं जी जी। अच्छा तो खाली सज्जी ही नहीं जनाब, इनके पास जो टिक्का है, बारबेक्यू आइटम्स हैं वो भी हैं और सिर्फ बलोचिस्तान तक इनका जो स्टॉल है वो महदूद नहीं बल्कि इनके पास पिशावरी चपली कबाब जो है वो भी बन रहे हैं। तो वाइन और ज़रा इनकी बलोची सज्जी जो है उसको ट्राई किया जाए और अपने व्यूअर्स को बताया जाए कि ये कैसी है। फैमिली
फैमिलीज यहाँ पर मौजूद हैं और फूड कोर्ट में बहुत ज़्यादा रश है। लोग जो है वो तरह तरह के खानों के स्टॉल्स के पास जमघट्टा बना के खड़े हुए हैं। तो लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं कैसी हैं। बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसी हैं। फूड कोर्ट तक तो आप आ गई हैं, क्या खाने का इरादा है। इतना कुछ है कि समझ नहीं आ रहा क्या खाएं। आपके सामने सब्जी बन रही है, बिरयानी है, गोलगप्पे हैं। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट डिसीजन है लेना कि क्या खाया जाए। तो आई थिंक आई विल गो फॉर सब्जी एंड वी आर हैविंग वंडरफुल एक्सपीरियंस ओवर हियर। ऊपर से मौसम भी बहुत अच्छा है और इन्जॉय करने आए हुए सारे हम लोग फैमिली के साथ। मसालेदार चीज़ें तो बहुत होगी, वाई नॉट ज़रा आप कुछ मीठे के हवाले से बात की जाए। जिस स्टॉल पे मैं मौजूद हूँ यहाँ बहुत सारा मीठा जो है वो नज़र आ रहा है। इनके पास डोनट्स भी हैं, कपकेक्स भी हैं और कस्टर्ड भी नज़र आ रहा है। तो पूछते हैं वेंडर से, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मीठे की इतनी वेराइटी है, मैक्रोनीज भी नज़र आ रही हैं, सब कुछ रखा हुआ है, कुछ छोड़ा नहीं ताकि हर तरह के लोग जो है एंटरटेन कर सके हम, इसलिए सब चीज़ें रखी हुई हैं। मौसम की मुनासबत से और लोगों के टेस्ट के हिसाब से भी हमने जो है, लास्ट ईयर भी हम यहाँ पे आए थे तो हमारे डेजर्ट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए थे, इसलिए हमने हर तरह के डेजर्ट्स रखे। स्पेशल बात यह है कि यहाँ का जो स्टॉल है इन पर जो भी चीज़ है इट्स प्योरली ऑर्गेनिक, घर की बनी हुई है और घर का जो टेस्ट है डेफिनेटली उसकी वजह से यहाँ पर लोगों का बहुत रश है। बाय द वे मीठा वगैरह तो सब कुछ है लेकिन ये गोलगप्पे जो है ना, मुझे लगता है आप बनाने के साथ साथ खाने की भी शौकीन। गोलगप्पे का कौन शौकीन नहीं होता, आप भी ट्राई करें मेरी तरफ से जो है वो, अगर आप गोलगप्पे खाती हैं। वाई नॉट भाई, लाइव ऑफर है तो इसको कैसे ठुकराया जा सकता है। एंड आई एम वेरी मच फूडी बाय द वे, और गोलगप्पा जो है वो तो एक ऐसी चीज़ है जिसको मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी लड़की होगी जो इनकार करती होगी। तो लेट्स ट्राई। बहुत ही टेस्टी, अब मीठे में आप कुछ लेना चाहिए। बहुत ही मज़े का, इतना मसालेदार खट्टा मीठा गोलगप्पा खाने के बाद थोड़ा सा मीठा तो बनता है। तो चलें इनके हाथ का बना हुआ जो मीठा है वो भी ट्राई करते हैं, देखते हैं कि कैसा है। आप चॉकलेट ज़्यादा पसंद करती हैं या पाइनएप्पल पसंद करती हैं। चॉकलेट चॉकलेट, ओके श्योर। ये हमारा बहुत स्पेशल मीठा है ब्रोनी मूज के नाम से, ये लें आप ट्राई। यस श्योर श्योर जी। अभी थोड़ी देर के लिए ये मेरी होस्ट होंगी और मैं एज अ व्यूअर आपको बताऊंगी ये कैसा है। फुल ऑफ चॉकलेट, क्रीमी, बहुत ही मजे का, यमिलिशियस। मुझे लगता है कि मैं पहुंच गई हूँ घर के किचन में क्योंकि यहाँ पर हो रही है लाइव कुकिंग और बन रही है मकई की रोटी और साथ में दिया जा रहा है सरसों का साग विद मक्खन की टॉपिंग। तो वाई नॉट ज़रा आंटी से बात करें, पूछे आंटी जी बहुत ज़्यादा रश है आपके पास और लगता है कि आपकी मकई की रोटी और साग आज ख़त्म हो जाएगा। हाँ माशाल्लाह सुबह से लगे हुए हैं, एक मिनट के लिए नहीं मैं बैठी, माशाल्लाह सब जा रहा है फटाफट जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके हाथ में बहुत ज़्यादा टेस्ट है, स्वाद है। हाँ जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई भी खा के गया सब तारीफ करके गए हैं। ये देखें आ चुका है मेरे पास और इसको ट्राई करते हैं और बताते हैं अपने व्यूअर्स को कि कैसा है। आंटी साथ में जरा ये माइक पकड़े ना आप और साथ साथ मुझे बताएं क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं इसके, क्या कुछ इसमें डाला है। मकई की रोटी करके बताना है आपने साथ साथ जरा। मैं मकई का आटा है और नमक डाला है पानी, बस गर्म पानी से गूंथते हैं और साग है सरसों का, देसी सरसों का साग है। हाँ जी इतनी क्रिस्पी है, साग के बगैर भी खाइए तो बहुत मज़े की है। इसको हम साग और मक्खन के साथ खाएंगे। मुझे मौका मिला आज पकोड़े बनाने का, यहाँ पर बन रहे हैं आलू वाले, पालक वाले और मिर्ची वाले पकोड़े, गर्मा गर्म मसालेदार पकोड़े। आंटी मसाला डाल दे। लो भाई मेरे पास तो पहला ग्राहक भी आ गया। क्यों नहीं भाई, कितना मसाला डालूं बच्चे आपके? पूरी प्लेट। इतना मसाला खाते हो? काफी है काफ़ी है काफ़ी, इतना मसाला नहीं खाते। पकोड़े बनाते ना बनाते मेरे तो काफ़ी सारे ग्राहक बन गए हैं, मुझे लगता है कि आज रिकॉर्डिंग के साथ साथ मैं काफ़ी सारा पैसा भी लेके जाऊंगी। फेस्टिव
फेस्टिवल कोई भी हो कहीं भी हो, इस्लामाबाद में लगे हर फेस्टिवल में मुझे गिलगित बल्तिस्तान की सैर करने का मौका ज़रूर मिलता है। मैं पहुंची हूँ अभी फिर गिलगित बल्तिस्तान के स्टॉल पर। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। चीज़ें क्या क्या है मुझे इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है। जानने के लिए मैं बात करूंगी जीबी की लड़की से जो कि मेरे साथ मौजूद हैं। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप सुनाएं कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं भी ठीक ठाक हूं। बताएं भाई क्या कुछ लगा लिया, सजा लिया आपने यहां पर? जी मैं गिलगित बल्तिस्तान से ही हूं और सबसे पहले हमारी ट्रेडिशनल है कि जो भी आते हैं हम वेलकम के लिए उनके कैप पहनाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस मच लव। होपफुली मैं प्यारी लग रही होंगी। हाँ जी माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। चलें अब मुझे बताएं जनाब कि आपके पास क्या कुछ है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। जी आप ये देख सकते हैं हमने यहाँ पे हर्बल प्रोडक्ट्स हमारे रखे हुए हैं, कल्चरल डिश रखे हुए हैं और बास्केट्स हो गए हैं, हमारे केप्स हो गए हैं जीबी के, और हमने ट्राई किए हैं हमारे जीबी के सारे जो कल्चर चीज़ें हैं वो यहाँ पे कवर अप हो। यकीनी तौर पर आपकी जो ब्रेड्स हैं वो बड़ी मशहूर हैं, वो तरह तरह की ब्रेड्स हमें वो भी नज़र आ रही हैं, ड्राई फ्रूट्स इनकी स्पेशलिटी है वो भी यहाँ पे नज़र आ रही है, और मुख्तलिफ जो कावे हैं स्पेशल वो भी, और ऑर्गेनिक चीज़ों की अगर बात करें तो उसमें शहद जीबी का बहुत ज़्यादा मशहूर है, और एप्रिकोट ड्राई फ्रूट से लेकर ईच एंड एवरी थिंग इज़ हेयर। और ना सिर्फ इन्होंने डिस्प्ले की हुई है ये चीज़ें बल्कि इनको बाकायदा तौर पर ट्राई किया गया, इनकी जो डिशेज बनती है वो यहाँ पर लगाई गई हैं। दो अदर जो बाउल्स है वो नज़र आ रहे हैं मुझे, देखते नज़र आ रहे हैं एक्चुअली, तो इसमें क्या क्या है? जी हमारे पास यहाँ पे एक डूबल है जो हम गंदम से स्पेशली बनाते हैं, और दूसरा जो है हमारे पास छब्बल है जिसको हम जो से बनाते हैं स्पेशली, और हमारे पास यहाँ पे प्रभु भी मौजूद हैं जो हम स्पेशली वॉलनट से बनाते हैं, और फरिंग सू उसे किसीर हर चीज़ हमारे पास यहाँ पे रेडी हैं। मेरे मकसद की काफ़ी सारी चीज़ें मुझे बताई जा रही हैं, हो सकता है मैं शॉपिंग भी कर लूँ। इनमें जो चीज़ें हैं वो ज़रा बताइएगा और ज़रा ट्राई भी करवाएं हमें, क्या कुछ है और इसकी क्या स्पेशलिटी है? जी ये हमारे पास सबसे पहले रूम्बल है, ये देखें ये स्पेशली हमारे इसमें बस बनाते अच्छा। हैं ये चेक कर लीजिए, ये आप माइक आप होल्ड करेंगी और मैं ये ट्राई करके अपने व्यूअर्स को बताऊंगी जीबी की स्पेशलिटी है। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम रूम्बले कहते हैं। ओके इसमें लोबिया चावल कुछ दालें हैं, लोबिया ये स्पेशली हमारे वहाँ पे खुद ही काश करते हैं और ये प्योर ऑर्गेनिक है हमारे लिए। जी और ये गंदम से स्पेशली बनाते होते हैं, वेरी टेस्टी। हमारे यहाँ जैसा दलिया होता है या खिचड़ी होती है उस तरह की कुछ ये डिश है जी, और हमारे पास है बट वेरी टेस्टी, लाइट से एक इफेक्ट है इसका। और हमारे पास हर्बल ट्री है, टी है, ग्रीन टी है, वो जो सबसे यूज होते हैं कोई भी डायबिटिक पेशेंट हो अच्छा वो कंट्रोल करते हैं, हमारे पास ब्लड प्रेशर जिनके ज़्यादा वो और वेट लूज करने के लिए सबसे बेस्ट हमारे मैं हर्बल टी आपको भी जनाब तो मुझे तो यहाँ पर मेरे काम की चीज़ भी मिल गई। गर्ल्स ऑब्वियसली बड़ा डाइट कॉन्शियस होती हैं तो इतना कुछ खाया है मुख्तलिफ स्टॉल से, तो मेरे ख्याल में अब इनकी जो हर्बल टी है वो पीना तो मुझ पर वाजिब हो गया है। व्यूअर्स इतना अच्छा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज करवाया गया है, फूलों की नुमाइश से लेकर यहाँ पर खाने पीने की बहुत सारी अशिया, साथ ही साथ शॉपिंग के लिए कपड़े भी हैं, ज्वेलरी भी है, और बच्चों के हल्ला गुल्ला के लिए यहाँ पर एक बच्चा कोर्ट जो है झूलों के लिए उसका भी एहतमाम किया गया, और साथ ही साथ बात यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाती बल्कि म्यूज़िक जो है उसका भी प्रॉपर अरेंजमेंट है। तो वाई नोट ज़रा ऑर्गेनाइज़र से बात करें, पूछे ज़रा कि किस तरह से इन सब चीज़ों को एक जगह पर लेकर आए और आइडिया किसका था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का बिल्कुल ठीक ठाक। व्यूअर्स को बताएं जरा कि सब चीजें अंडर वन अम्ब्रेला अंडर वन रूफ किस तरह से मैनेज? ये हमारी जर्नी स्टार्ट होती है लास्ट ईयर, पिछले साल हमने एक पहली कोशिश की थी स्प्रिंग फैमिली गाला वन के नाम से, और उस टाइम हमने इसका नाम सिर्फ स्प्रिंग फैमिली गाला ही रखा था। हमने कोशिश की थी, बहुत सारी चीज़ें हमसे रह गई थी जिसको हम बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए थे। अभी हमने सेकेंड टाइम जो कि हमारे पास पूरा एक साल था प्लान करने के लिए, हमने इसको प्लान किया और इसको अमली शक्ल में, वैसे तो ये स्प्रिंग है हमने इसको मार्च में करना था बट ड्यू टू रमज़ान हम इसको थोड़ा सा हमने इसको डिले किया, तो अभी ये एग्जैक्ट टाइम था इसके लिए, और बल्कि शायद लास्ट टाइम था, हम इससे आगे मजीद इसको नहीं लेके जा सकते थे स्प्रिंग क्योंकि अब एंड हो रहा है, तो हमने इसको इस टाइम में ऑर्गेनाइज किया। रही बात कि सब चीज़ें एक अम्ब्रेला के नीचे लेके आनी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा है स्प्रिंग का तो हमने फूल इसमें ऐड किए, फिर फैमिली गाला है तो जहाँ फैमिली गैदरिंग होती है वहाँ खाना पीना बिल्कुल, और प्लस जब फैमिली आती है तो साथ बच्चे भी आते हैं, बच्चे आते हैं तो उनके लिए झूले चाहिए, झूले चाहिए, पेरेंट्स खुद इंजॉय कर रहे हैं
बच्चों को उनकी इंजॉयमेंट की चीज़ें चाहिए, हमने वहाँ इंजॉय करा दिया उनको। फिर लास्ट में ये आता है जब फैमिली आती है उनको बैठने के लिए कुछ चीज़ इंटरटेन करने के लिए ज़रूरी है, उसके लिए हमने इसमें म्यूज़िक ऐड कर दिया जो कि आजकल तकरीबन हर जनरेशन इसको अपने हिसाब से एंजॉय करती है। हमने जो सिंगर्स रखे हैं वो हर एक के टेस्ट के मुताबिक हैं, जिसमें हम उसको फोक टच भी दे रहे हैं, न्यू जनरेशन के लिए रैप प्लस डीजे और ये सब चीज़ें आपको हमारे इस इवेंट में देखने को मिलेंगी। सो व्यूअर्स, इतना अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया गया है और ऑर्गेनाइजर से भी हम बात कर रहे हैं, पूछते हैं कंदील मेरे साथ मौजूद है। कंदील, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? इवेंट तो बड़ा ही अच्छा हो गया। एक्सपीरियंस ऐसा रहा कि जब लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस आ जाए ना, तो बस आपकी जितनी भी थकावट होती है, जितनी मेहनत होती है ना, वो रंग ले आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट इज़ रियली सक्सेसफुल। और जैसा वेदर था आपको पता ही है, सुबह इट वॉज़ रेनी और उसके बाद इतना प्लेजेंट वेदर हो जाना, और ये तो हमारे लिए ना एक बहुत ही कह लें अल्लाह पाक का करम हो गया। आपकी खुशकिस्मती है भाई, इट वाज नॉट लेस देन अ मिरेकल एक्चुअली, बिकॉज सुबह में हम लोग भी सोचे थे कि पता नहीं शायद इवेंट पोस्टपोन हो। बिल्कुल ऐसा ही है, वेदर फोरकास्ट का कोई पता नहीं चल रहा था, इवन पिंडी इस्लामाबाद में जितने भी इवेंट्स हुए थे सब ने कैंसिल कर दिए थे, तो वी टुक अ रिस्क एंड वी जस्ट हैव द ब्लेसिंग्स ऑफ अल्लाह और बस हो गया, समझे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस इवेंट में जो कॉन्सर्ट होने जा रहा है उसके डीजे मैरी के साथ। डीजे मैरी कैसे हैं? जबरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने आपको कॉन्सर्ट से पहले पकड़ लिया ये जानने के लिए कि आज के जो म्यूजिक का तड़का है उसमें कौन कौन सा यू नो टेस्ट या फ्लेवर आप ऐड करने वाले हैं। एक्चुअली जो बहरिया एनक्लेव की पीपल्स हैं, एजुकेटेड और वेल मतलब मैनर्ड पीपल्स हैं और एडवांस और इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक को समझने वाले लोग हैं। जैसा कि मैंने सुना है, परफॉर्मिंग मेरी इधर फर्स्ट टाइम है, लेकिन जो बैकअप मिला मुझे, फीडबैक मिला कि दे नो द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक एंड दे नो डीजेस, तो इसको फीडबैक लेते हुए मैंने ज़्यादातर वेस्टर्न स्टाइल की प्लेलिस्ट तैयार की है, तो ताकि इसमें वार्म अप ट्रैक्स और मोटिवेशनल ट्रैक्स और मतलब स्पिरिचुअल और स्पिरिट देते हैं, आपको बूस्ट देते हैं, स्टिंग लाइक अ स्टिंग। मुझे ऐसा लग रहा है जनाब की फैमिलीज काफी सारी है, तो आपने बड़ों से लेके बच्चों तक सबके टेस्ट को मद्देनजर रखिए अपनी जो लिस्ट है उसको तरतीब दिया है, ऐसे ही? नहीं, बड़ों को तो वो करेंगे जो सिंगर्स आएंगे, मेरा जो मेन फोकस है बॉयज एंड किड्स। ऑलराइट जनाब, आप फोकस करें अपने जो ऑडियंस है उसको, और मैं अपने व्यूअर्स से ज़रा इजाज़त ले लूँ क्योंकि म्यूज़िक के बाद अब मेरा भी टाइम जो है वो शुरू होने वाला है, बिकॉज आई वॉन्ट टू इन्जॉय द म्यूज़िक। आपसे मुलाकात होगी व्यूअर्स अब अगले हफ्ते, टिल देन कीप वॉचिंग डिस्कवर पाकिस्तान। Yeah. Pushing out with when it's going down. Yeah, busy.